बड़ी बड़ी धमकियां और इस बीच छोटा सा एक अनशन। जी हाँ, बड़ी बड़ी धमकियां देकर बिन्नी अनशन पर बैठे, लेकिन 3 घंटे के भीतर ही उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। अनशन और धरना खत्म करने के बाद बिन्नी एक और धमकी भी दे गए, कहा कि वो केजरीवाल सरकार को 2 दिनों की मोहलत दे रहे हैं ताकि पार्टी ने जो वादे किए थे वो सही ढंग से लागू किए जा सके। जंतर मंतर पर आज सुबह ही अनशन की शुरुआत की थी। शायद अगर कोई रिकॉर्ड हो सबसे छोटे अनशन का, तो उस रिकॉर्ड को बनाने के दावेदार अब विनोद कुमार बिन्नी जरूर बन गए हैं। 10 दिन का वक्त दिया है केजरीवाल सरकार को कि जो आपने वादा किया था वो पूरा कीजिए। अनशन का जैसे आज मजाक बना है जंतर मंतर पर, क्योंकि अगर वाकई मांगे गंभीर थी तो फिर इतने ही कम वक्त में। सुनाते हैं पहले आपको जरा क्या कहा बिन्नी ने अनशन तोड़ने के बाद। मुझे अन्ना जी ने एक बात कही थी कि ये 2-4 दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, भूख मरने से कुछ नहीं वाला, हमने बहुत भूखा मर के देखा है। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि आपको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। अनशन की राजनीति, अनशन वाली प्रक्रिया इस देश में फ्लॉप हो चुकी है। आपको पूरा संगठन खड़ा होकर इनका मुकाबला करना होगा, अपनी नीतियों को क्लियर करना होगा, इन पार्टी की नीतियों को उजागर करने के लिए आपको काम करना होगा। इस जगह बैठ के साथ ये काम नहीं कर पाओगे आप, आपको तमाम पूरे देश में काम करना चाहिए। लेकिन 10 दिन बाद फिर आप अनशन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा नहीं, मैंने अनशन शब्द नहीं किया, हमने देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की बात की है। हम इसको दूसरे रूप में आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश के लोगों को जागरूक करेंगे और इनको बताएंगे वास्तविकता, इनकी जो करनी और कथनी में क्या फर्क है वो सब लोगों का होता है।